हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ चैप्टर थर्ड द नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने इस सीरीज़ के चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड की वीडियो बना रखी है, अगर आपने देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, इस रीडिंग होगी इसमें, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है तो जल्दी से कवर भी करना है हमने, तो वीडियो नहीं तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट। अ फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। जो कहता है फ्लैट और लेवल लैंड होती है उसको प्लेन बोलते हैं। द प्लेन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, प्लेन ऑफ इंडिया में शामिल है द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन। इसमें नॉर्दर्न प्लेन भी शामिल है और कोस्टल प्लेन भी शामिल है। तो प्लेन लैंड की बात कर ले तो प्लेन लैंड इस तरह की दिखाई देती है, ठीक है, एक जैसी एक समान होती है। प्लेन लैंड मीन्स की इक्वल होती है, ये देख सकते हो, ये प्लेन लैंड है। ओके, नाउ वी नो अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टूवर्ड द साउथ ऑफ हिमालय, हिमालय की साउथ तरफ है ये। दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू असम, स्ट्रेच होता है फैले हुए हैं, फ्रॉम पंजाब टू असम तक फैले हुए हैं। 3.1 में वो कहता है, देख सकते हैं आप यहाँ से, देखिए हम, तो ये पंजाब है तो ये असम तक, यहाँ तक फैले हुए, ये सारा एरिया जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये सारा कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है। मैनी रिवर विच ओरिजिनेट इन द हिमालय फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। बहुत सारी रिवर जो है उत्पन्न होती है हिमालय में से, फ्लो बहती है थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन में से होती हुई बहती है वह। दीज रिवर कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, ये जो रिवर होती हैं पानी लाती है अपने साथ पूरा साल। दे आल्सो ब्रिंग्स विद दैम ब्रोकन पीसीस ऑफ रॉक, छोटे छोटे पीसीस रॉक के ब्रोकन जो होते हैं, टूट जाते हैं, उनको साथ में लेके, दी सैंड रेत और सिल्ट्स होती है, तलछट जो होती है चट्टानों की, वो साथ में अपने लेके आती है। द फाइन सिल्ट डिपॉजिट बाय द रिवर इज कॉल्ड एल्वियम, ठीक है, जो फाइन सिल्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियम, ठीक है। जैसे इट इज़ फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर क्रॉप, जो क्रॉप के लिए बहुत अच्छी थी। एल्वियम जैसे कि सबसे फाइन क्वालिटी की जो सॉइल होती है एल्वियम सॉइल होती है, ठीक है। तो ये जो है एल्वियम सॉइल जो बनती है, यही जो नदियां हैं अपने साथ ये रॉक्स के सैंड एंड सिल्ट ला के छोटे छोटे पीसेस को डिपॉजिट करती रहती है एक जगह पर, यही जाके एल्वियम सॉइल बनाते हैं आगे जाके, ठीक है। इट्स गुड फॉर क्रॉप्स, जो फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत फाइन क्वालिटी की, सबसे बढ़िया क्वालिटी की जो क्या होती है, सॉयल होती है, एल्वियम सॉयल जो होती है सबसे बढ़िया क्वालिटी की सॉयल। द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स टेरिब्यूटरी इज कॉल्ड इट्स बेसिन। देखिए जो एरिया होता है वह जमीन जिसको सींचा गया होता है रिवर्स, नदी और नदियों की सहायक नदियों द्वारा, उसको उस एरिया का क्या बोलते हैं, बेसिन्स। बेसिन्स बेसिकली घाटी के लिए प्रयोग किया जाता है, जो बेसिन का मीनिंग होता है, बेसिन मीन्स नदियों की घाटी, मीन्स की जो नदियां होती है, ठीक है, वो पानी द्वारा और वहां से अपने साथ मिट्टी ला के जो एरिया बनाती है उस एरिया को हम बेसिन बोल देते हैं, कि उस नदी की घाटी हो जाता है। थ्री रिवर्स, जैसे थ्री रिवर्स, सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों रिवर्स जो हैं एंड देयर टेरिब्यूटरीज और इनकी सहायक नदियाँ हैव फॉर्म्ड द नॉर्थर्न प्लेन्स, बनाती हैं कौन से, नॉर्दर्न प्लेन को बनाती हैं। कौन कौन सी रिवर्स, सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों रिवर्स मिलके और इनकी सहायक नदियाँ मिलके इस एरिया को, नॉर्दर्न प्लेन्स को फॉर्म्ड करती है, बनाती है, ठीक है। अब देखेंगे टेरिब्यूटरीज क्या होता है, ट्राइब्यूटरीज जो होती है एक सहायक नदी होती है। देखो ट्राइब्यूटरीज क्या होता है, ये एक मेन रिवर है, इसके रिवर में जो रिवर अपना पानी छोड़ती है मेन रिवर की, वो क्या हो जाती है, ट्राइब्यूटरीज मीन्स की सहायक नदी हो जाती है उसकी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू ए बिगर रिवर इज द टेरिब्यूटरी ऑफ द बिगर रिवर, बिगर रिवर की ट्राइब्यूटरी मीन्स सहायक नदी हो जाती है। हाँ जी, तो अब पहले हम नॉर्दर्न प्लेन में जो जो स्टेट आती है उनके बारे में जान लेते हैं। ये पंजाब है, ठीक है, पंजाब आ जाए तो उसके नीचे हरियाणा, फिर दिल्ली आ गया ये, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, ठीक है, ये असम आ गया, तो ये कुछ पार्ट राजस्थान का, ये सारा जो है ना ये एरिया जो है स्टेट वाइज मैंने आपको बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम,
ठीक है, वेस्ट बंगाल का हिस्सा आ जाता है, ये राजस्थान का हिस्सा, ये सारा हमारा इसमें आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है। तो ये यार रिवर की बात कर लें थी, किस तरह रिवर जो है इस एरिया को सींचती है, ठीक है, बनाती है। तो पहले पंजाब की बात कर लें तो ये सतलुज रिवर है, ठीक है, सतलुज रिवर बहती है, यहाँ से शुरू होती है, तिब्बत से शुरू होती है, ठीक है, और ये ब्यास रिवर है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है, ये सतलुज रिवर के बीच में ब्यास नदी आके मिलती है, ठीक है। तो सतलुज रिवर की ब्यास जो होगी क्या होगी, सहायक नदी होगी, टेरिब्यूटरीज होगी, किसकी, सतलुज की, मीन्स की मेन रिवर सतलुज है, इसमें अपना पानी छोड़ती है ना, कौन सी ब्यास नदी है जो अपना सारा पानी इसमें छोड़ देती है, तो ये ब्यास जो नदी है सतलुज की क्या होगी, सहायक नदी हो जाएगी। ये पंजाब एंड हरियाणा का क्षेत्र ये दोनों नदियाँ बनाती है। उसके बाद बात करते हैं गंगा रिवर्स की, तो ये गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर इस तरह बहती है, यहाँ से शुरू होती है, तो यमुना सबसे बड़ी टेरिब्यूटरीज है गंगा रिवर की, ठीक है, और ये चंबल है जो इसकी यमुना की टेरिब्यूटरीज आ गई। तो मेन रिवर गंगा है, गंगा में आके ये यमुना यहाँ पे मिल जाती है। गंडक रिवर है, यहाँ से शुरू होगी, ये मिल गई, ये भी टेरिब्यूटरीज होगी गंगा की, ठीक है। कोसी रिवर है, ये भी टेरिब्यूटरीज होगी इसकी। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिवर मिलके जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है इनको बनाती है। सतलुज रिवर बेसन की बात कर लें, रिवर सतलुज ओरिजिनेट मींस पैदा होती है इन तिब्बत, तिब्बत से पैदा होती है। ब्यास इज इट्स मेन टेरिब्यूटरी, ब्यास इसकी मेन सहायक नदी है। पंजाब एंड हरियाणा आर द पार्ट ऑफ सतलुज रिवर बेसन, पंजाब एंड हरियाणा इस रिवर बेसन का हिस्सा है। द भाखड़ा डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलुज, जो भाखड़ा डैम है रिवर अक्रॉस जो सतलुज है पे बना हुआ है, जो भाखड़ा जो डैम है ना अक्रॉस रिवर सतलुज जनरेटेड रिवर सतलुज पे बना हुआ है, ठीक है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है और सारा साल जो पानी भी रहता है। देखिए ये भाखड़ा डैम है, ये एक वाल बना दी जाती जिसके पीछे पानी स्टोर कर लिया जाता था, और बहुत ही प्रेशर के साथ ऊपर से पानी गिरता है यहाँ से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे टर्बाइन लगे होते हैं वो घूमते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो ये पानी होता है ना बाद में इस पानी का यूज़ इरीगेशन के लिए सिंचाई के रूप में किया जाता है, सारा साल ये पानी खेतों को दिया जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द गंगा रिवर बेसन के बारे में बात कर रहे हैं। रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालय, जो रिवर गंगा है ना ओरिजिनेट उत्पत्ति होती है इसकी गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर, तो हिमालय में है। यमुना इज इट्स मेन टेरिब्यूटरी, यमुना इसकी मेन सहायक नदी है, हमने पहले भी देख लिया है। द गंगा एंड इट्स टेरिब्यूटरीज, जो गंगा और इसकी सहायक नदियाँ फ्लो थ्रू बहती हैं कौन कौन से स्टेट में से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल से होते हुए ये फ्लो करती हैं, बहती हैं इन वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है ना, इन द रिवर स्पिल्ट इनटू टू ब्रांचेस, जो रिवर है ना दो ब्रांचेस में स्पिल्ट हो जाती है, मींस डिवाइड हो जाती है। वन ब्रांच एंटर बांग्लादेश, एक जो ब्रांच है उसकी वो बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, एंड इज कॉल्ड पद्मा, और उसको पद्मा बोलते हैं। द ज्वाइन द ब्रह्मपुत्रा, जो ब्रह्मपुत्रा को रिवर को आगे जाके ज्वाइन करती है, मीन्स कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में गिर जाती है जाके। द अदर ब्रांच फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल, दूसरी ब्रांच वेस्ट बंगाल में से होती हुई, एंड इट इज़ कॉल्ड हुगली, जो वेस्ट बंगाल में से होती हुई बहती है तो उसको क्या बोलते हैं, हुगली। हाँ जी, तो ये पहले देख लेते हैं, ये है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर होता है कि बहुत बड़ा जो बर्फ़ का हिस्सा है ना, ये बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ बने होते हैं, मीन्स की बर्फ सॉलिड फॉर्म में होती है, जमी हुई फॉर्म में होती है, ये देख सकते हो आप। तो इस एरिया को हम गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं, ये यहाँ से जो हमारी गंगा रिवर है ओरिजिनेट होती है, उत्पन्न होती है, ये बर्फ़ धीरे धीरे पिघल के सारा साल बर्फ जो पिघलती रहती है और सारा साल नदियों को पानी मिलता रहता है। हाँ जी, अब बात करते हैं रिवर गंगा की, ये देखिए ये रिवर गंगा आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दो हिस्सों में स्पिल्ट हो जाए, दो हिस्सों में बट जाती है, एक तो ये बन गई हुगली, ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल की तरफ चली गई दूसरी वाला हिस्सा जो है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, पद्मा नाम दिया गया। तो ये जाके आगे ये हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिक्स हो जाती है। तो ये जो दूसरी वाला हिस्सा है वेस्ट बंगाल वाला हमारे,
ठीक है, ये यहाँ से इसको नाम क्या दिया गया, हुगली, ठीक है, ये आगे आगे बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। तो एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, जो कलकत्ता है हुगली रिवर के किनारे पे बसा हुआ शहर है। हाँ जी, तो आ डेल्टा इज़ ए ट्रेंगुलर शेप लैंड फॉर्म बाय अ रिवर बिफोर इट फ्लो इनटू द सी। यहाँ पे डेल्टा की बारे बात कर लेते हैं कि जो रिवर होती है ना, जब रिवर समुंदर में गिरती है तो एक तो पहले तो इसका फ्लो जो होता है ना, जो इसका बहाव होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो वहाँ पे एक ट्रेंगुलर शेप में इस तरह, ये देखिए, इस तरह ट्रेंगुलर शेप बना देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्लियर है, अब डेल्टा के बारे में क्लियर हो गया कि डेल्टा क्या होता है, कि ट्रेंगुलर शेप बनी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन की बात कर लेते हैं, ठीक है, रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन तिब्बत, ये तिब्बत में उत्पन्न होती है, मीन्स कि वहाँ से ये पैदा होती है। वेयर इट इज़ कॉल्ड तसंगपू, वहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है, तसंगपू नाम से जाना जाता है। इट इज़ एंटर्स इंडिया थ्रू ए अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में से होके इंडिया में एंटर करती है, एंड फ्लो थ्रू असम, और असम से बहती हुई, बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश में एंटर करने से पहले, द ब्रह्मपुत्रा एंड द गंगा रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं ये दोनों रिवर। कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्रा और गंगा, दोनों रिवर जब मिलती है ना तो ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है इन द वर्ल्ड, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। बिफोर फॉलिंग इन टू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है उसमें गिरने से पहले बनाती हैं ये। दिस इज द सुंदरबन डेल्टा, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ये यहाँ से भी देख सकते हो कि जब ये रिवर्स ये समुंदर में गिरती है उससे पहले एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, इस डेल्टा को हम कौन सा नाम देते हैं, सुंदरबन डेल्टा का नाम दिया गया, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब बात कर लेते हैं लाइफ इन द रीजन, इस क्षेत्र में लोगों की लाइफ किस तरह की है। तो पहले बात करते हैं कौन कौन से स्टेट इनमें आती हैं, तो पंजाब हरियाणा नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम, लाइज इन द नॉर्थन प्लेन्स, ये सारे नॉर्थन प्लेन में, नॉर्थन प्लेन का हिस्सा है, इसमें शामिल है, ठीक है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, तो जैसे हम पता है कि ये प्लेन है तो फार्मिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन है। पीपल ग्रो राइस वीट एंड शुगर केन, लोग यहाँ पे राइस वीट एंड शुगर केन, गन्ने का जो खेती करते हैं, तो यहाँ पे ये मशीन है। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स मोस्ट फार्मर यूज ट्रैक्टर फॉर प्लॉइंग देयर फील्ड, अपने जो खेत है उनको जोतने के लिए वो ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। तो पंजाब की बात कर लेते हैं सबसे पहले, द फार्मर ऑफ पंजाब यूज़ मॉडर्न मशीन, जो पंजाब के फार्मर हैं ना जो मॉडर्न मशीन का यूज़ करते हैं, सच एज ट्रैक्टर, जिसमें ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, एंड हार्वेस्टर, हार्वेस्टर कंबाइन होती है बड़ी, जो फसल को कटाई करने के लिए इसका यूज़ होता है। पीपल आर फाउंड ऑफ मक्की की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी, फाउंड ऑफ होता है शौकीन होना, यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत शौकीन है, किसके, मक्की की रोटी की, सरसों के साग एंड लस्सी के बहुत शौकीन है। दे सेलिब्रेट बैसाखी एंड द लोहड़ी, जो वहाँ के जो प्रसिद्ध जो फेमस फेस्टिवल में बैसाखी एंड लोहड़ी है वो मनाती हैं। भंगड़ा एंड गिद्दा आर पॉपुलर फोक डांस है, यहाँ के भंगड़ा और गिद्दा पॉपुलर फोक डांस है। मैनी टूरिस्ट विजिट द गोल्डन टेंपल इन अमृतसर, बहुत सारे लोग जो हैं टूरिस्ट आते हैं गोल्डन टेंपल में पंजाब में, जो ये देखने वाली जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। अब नाउ वी टॉक अबाउट हरियाणा, हरियाणा लाइक द फार्मर ऑफ पंजाब, पंजाब के फार्मर की तरह ही द फार्मर ऑफ हरियाणा आल्सो यूज़ मॉडर्न मशीन, जो हरियाणा के फार्मर वह भी मॉडर्न मशीन का यूज़ करते हैं। मैनी पीपल आर इंगेज्ड इन कैटल रेयरिंग, बहुत सारे जो लोग हैं पशुपालन में लगे हुए हैं, डेयरी फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। और फरीदाबाद एंड गुरुग्राम हैव मैनी इंडस्ट्री, ये फरीदाबाद और गुरुग्राम में हरियाणा के एरिया है ये स्टेट है, तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है, सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री वहीं पे है। हाँ जी, ये है गुरुग्राम, ठीक है, तो ये जो है एक मॉडर्न सिटी है वहाँ की जो बनी हुई है, पहले इसका नाम
गुड़गांव था, गुरुग्राम का पहले वाला नाम गुड़गांव था, अब इसको चेंज करके ठीक है मॉडर्न सिटी बना दिया गया है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द नेशनल कैपिटल टेरेटरीज ऑफ दिल्ली की बात कर लें। मोस्ट पीपल हेयर वर्क इन ऑफिसिस, ज़्यादातर लोग ऑफिसिस में काम करते हैं यहाँ पे। मैनी ऑफ देम हैव बिजनेस, ज़्यादातर जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। दिल्ली हैज़ मैनी फेमस मनूमेंट्स, सच एज मनूमेंट्स होता है पुरानी स्मारक, ठीक है पुरानी इमारतें, तो बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं ठीक है, सच एज जिसमें रेड फोर्ट आ गया, कुतुब मीनार आ गया, इंडिया गेट आ गया, हुमायूं टॉम्ब आ गया, जामा मस्जिद आ गया, लोटस टेम्पल आ गया एंड अक्षरधाम टेम्पल आ गया, अक्षरधाम टेम्पल। और टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू सी दीज मोनूमेंट्स, यो यही मोनूमेंट्स को देखने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में से लोग आते हैं हमारे इंडिया में। हाँ जी, तो इस पिक्चर में देख सकते हैं ये रेड फोर्ट है, पिक्चर ली हुई मैंने सारी दिखाई हुई। ये हमारा कुतुब मीनार आ गया दिल्ली में है, इंडिया गेट आ गया दिल्ली में, ये हुमायूं टॉम्ब है, टॉम्ब होता है मकबरा, मीन्स कि यहाँ पे अकबर के पुत्र जो हुमायूं था उसको दफनाया गया था, उसकी कब्र है, उसके ऊपर ये बिल्डिंग बनाई हुई, इसको हुमायूं टॉम्ब बोलते हैं। ये जामा मस्जिद आ गई हमारी, ये लोटस टेम्पल आ गया हमारा, तो ये है अक्षरधाम टेम्पल आ गया। ये सारे के सारे मोनूमेंट्स जो है ये दिल्ली में है। नाउ वी टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर गुआवा एंड मैंगोज, ये अमरूद और आम के लिए फेमस है। देर आर मैनी शुगर टेक्सटाइल, शुगर टेक्सटाइल लेदर एंड केमिकल इंडस्ट्री है। शुगर मीन्स क्या होता है, शुगर मिल्स होती है कि शुगर केन से शुगर बनाई जाती है, और टेक्सटाइल कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रीज, लेदर बनाने वाली फैक्ट्री, केमिकल जो इंडस्ट्री इस एरिया में आ जाती है। ये देखिए ये जो फैक्ट्री है इसमें क्या होता है, शुगर केन लेके शुगर केन से क्या बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है ठीक है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मींस कि थ्रेड से ही कपड़ा बनाया जाता है, सारा काम प्रोसीजर इस फैक्ट्री में होता है। ये केमिकल इंडस्ट्री है, ये लेदर इंडस्ट्री है, लेदर से आगे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं यहाँ पर। चिकन करी एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखनऊ, ये जो एक निकासी की होती है ठीक है, उसका नाम है। आगे इसकी पिक्चर देखते हैं हम। सिल्क साड़ी ऑफ वाराणसी एंड ब्रासवेयर ऑफ मोहरिदाबाद आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पॉपुलर है। ये देखिए चिकन कड़ी ठीक है, तो इस तरह निकासी की होती है, ये देख सकते हो आप ठीक है। भगलपुर सिल्क ठीक है, तो ये सिल्क से बने हुए प्रोडक्ट हैं, तो ये ऑल ओवर इन वर्ल्ड में फेमस हैं। तो नाउ वी टॉक अबाउट कुंभ मेला, कुंभ मेला के बारे में बात कर लें। द कुंभ मेला इज़ हेल्ड एवरी 12 ईयर्स इन प्रयागराज, प्रयागराज में 12 साल बाद ये मेला लगता है ठीक है, 12 साल के बाद ये मेला प्रयागराज में लगता है। हाँ जी, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में से लोग यहाँ पे इस मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। ये देख सकते हो कुंभ मेला है, 2019 में लगा था, अब देखिए 19 के बाद ये कब लगेगा, अब 12 साल बाद होंगे उसके बाद ये आके फिर दोबारा से ये मेला लगेगा। आगरा, वाराणसी एंड लखनऊ आर सिटी ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, उसके बाद ये आगरा वाराणसी और लखनऊ ये टूरिस्ट इंटरेस्ट के प्लेसेस हैं, यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए। बिहार, बिहार इज़ फेमस फॉर लीची, लीची के लिए बिहार है जो बहुत फेमस है। भगलपुर, भगलपुर इज़ ए सेंटर ऑफ सिल्क वीविंग, सिल्क वीविंग का सेंटर है ठीक है, सिल्क से आगे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लिट्टी चोखा, ये देखिए ये बना हुआ है लिट्टी चोखा, एंड सत्तू पराठा आर पॉपुलर डिशेस है, सत्तू पराठा और लिट्टी चोखा जो है फेमस डिशेस है यहाँ की। छत इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, छत जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, जैसे हमारे पंजाब में बैसाखी होता है यहाँ पे छत। मोस्ट पीपल स्पीक मैथिली एंड भोजपुरी, यहाँ के लोग मैथिली और भोजपुरी बोलते हैं। पटना, गया एंड राजगीर आर प्लेसिस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, ये टूरिस्ट इंटरेस्ट के कुछ प्लेसिस हैं यहाँ पे। वेस्ट बंगाल, राइस जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स, देखिए यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में राइस जूट एंड टी ये मेन क्रॉप्स है, ग्रो मीन्स उगाई जाती हैं। दार्जिलिंग हैज़ मैनी टी गार्डन, दार्जिलिंग में बहुत सारे टी गार्डन हैं।
Jute mills are located along both bank of river Hooghly. ठीक है, तो यहाँ पे दार्जिलिंग में टी के गार्डन है, जूट मिल्स लोकेटेड है, स्थापित है दोनों साइड पे रिवर हुगली के। फिशिंग इज इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, जो फिशिंग है यहाँ का इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन कितना है, इन द कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन समुद्र के साथ वाला ही रहता है, समुद्र एक तरफ समुद्र है तो दूसरी तरफ लैंड है, वो वाले हिस्से को कोस्टल रीजन बोल देते हैं। पीपल स्पीक बंगला, लोग यहाँ पे बंगला बोलते हैं। दुर्गा पूजा इज मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल, जो दुर्गा पूजा है यहाँ का बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है। हाँ जी, आप देख सकते हो ये दुर्गा पूजा की जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे, उसकी पिक्चर है। असम, असम की बात कर ले, असम इज़ फेमस फॉर टी एंड सिल्क। असम जो है बहुत फेमस है, किसके लिए ज़्यादा फेमस है, टी और सिल्क के लिए फेमस है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर फाउंड इन डिगबोई, डिगबोई में पेट्रोलियम और नेचुरल जो नेचुरल गैस है ना वो मिलती है। मैनी वोमन वेयर मेघला चादर एंड ब्लाउज, जो बहुत सारी ये ड्रेसेस हैं वोमेन मेघला चादर एंड ब्लाउज पहनती हैं। मोस्ट पीपल स्पीक असामी, ज़्यादा लोग जो असामी लैंग्वेज बोलते हैं। दे सेलिब्रेट बीहू, वहाँ का जो मोस्ट फेमस फेस्टिवल है वो बीहू है। हाँ जी, तो ये पिक्चर रिफाइनरी की है, यहाँ से पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये पिक्चर है बीहू, तो इस तरह वो बीहू को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दार्जिलिंग के टी गार्डन की पिक्चर है, किस तरह टी का प्रोडक्शन करते हैं। हाँ जी, ये चेक पॉइंट है, तो ये आपने खुद करनी है। चैप्टर हमने ऊपर वाला रीड कर लिया है, उसी चैप्टर में से ब्लैंक्स फॉर्म में लिए हुए हैं। तो कोस्टल प्लेन की बात कर लें, द प्लेन लैंड दैट लाइज अलॉन्ग द कोस्ट इन द कोस्टल प्लेन। ठीक है, द प्लेन लैंड जो होती है, दैट लाइज, लाइज की साथ साथ वाली ज़मीन होती है, अलॉन्ग द कोस्टल, कोस्टल के साथ वाली, इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन, उनको कोस्टल प्लेन बोलते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इंटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, जो कोस्टल प्लेन है दो हिस्सों में बांटा हुआ है इनको। एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये देखिए हम पिक्चर के द्वारा देखते हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है नॉर्थ होता है मैप के, नीचे वाला साउथ होता है। तो आपके जो राइट हैंड है इस तरफ ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा, तो ये देख सकते हो। तो ये जो हमारा है ये कौन सा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसको आगे फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और ये नॉर्थन कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो इसको भी फर्दर टू हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो आगे देखते हैं कोस्टल प्लेन, दीज प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, ये गुजरात से वेस्ट बंगाल तक फैले हुए हैं, 3.2 में हमने देख लिए। द टू कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी, ये देखिए ये कन्याकुमारी है, तो ये इधर वाला वेस्टर्न या ईस्टर्न दोनों यहाँ पे कन्याकुमारी में आके मिलते हैं, कोस्टल प्लेन कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर लें, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, एक तरफ अरेबियन सी और एक तरफ वेस्टर्न घाट के बीच वाला एरिया है ये। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात टू केरला, एक गुजरात से केरला तक फैला हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, ये तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। द गुजरात कोस्ट टुवार्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वाला हिस्सा आ जाता है इसमें। द कोंकण कोस्ट इन द मिडल, सेंटर वाला हिस्सा कोंकण कोस्ट होता है। मालाबार कोस्ट टुवार्ड्स द साउथ, साउथ वाला हिस्सा ये आता है। ठीक है, ये मैप में हम देखते हैं इसको, ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल एरिया आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो पहले वाला है टुवार्ड्स द नॉर्थ साइड पे आ जाता है, गुजरात कोस्ट बोलते हैं जिसको। ये कोंकण कोस्ट जो सेंटर वाला हिस्सा आ जाता है, ये मालाबार कोस्ट जो हमारा साउथर्न वाला हिस्सा आ जाता है। ठीक है, लगूनस और बैकवाटर आर फाउंड अलोंग द मालाबार कोस्ट, जो लगूनस होते हैं ना और बैकवाटर आर फाउंड, ये मिलते हैं मालाबार कोस्ट में। अब लगूनस होते क्या हैं, तो इसको देखते हैं कि ये मालाबार कोस्ट है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पानी होता है ना, यहाँ के समुंदर का पानी यहाँ पे पीछे आके ना स्टोर हो जाता है, और एक सैंड जो होती है ना, सैंड की दीवार बन जाती है, जो सैंड होती है ना इस पानी को बांट देती है, कि समुंदर वाला पानी सैंड के कारण अंदर अब अंदर नहीं जा सकता, और अंदर वाला पानी बाहर नहीं जा सकता, जो पानी पीछे ही रह जाता है, तो इस पानी को हम क्या बोलते हैं, लैगूनस बोलते हैं या बैक वाटर बोल देते हैं, जो कहाँ पर बनते हैं, फाउंड इन मालाबार कोस्ट में मिलते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर लेते हैं,
द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में आ जाते हैं। द बैक वाटर ऑफ केरला का यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, आर लोकेटेड कॉल्ड क्याल्स बोलते हैं। बैक वाटर ऑफ केरला में जो है इसको क्या बोलते हैं, क्याल्स, याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, क्याल्स। इट स्ट्रेस फ्रॉम द वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, ये फैले हुए हैं वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक। इट इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ये दो हिस्सों में डिवाइड है। द नॉर्थन पार्ट नोन एज द नॉर्दर्न स्कारस, ठीक है, जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसको नॉर्दर्न स्कारस बोलते हैं। द साउदर्न जो पार्ट है कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट, उनको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक ये इसको क्लियर कर सकते हैं, ये पिक्चर को देख ले पहले। अलॉन्ग द कोस्टल एरिया के साथ में सी वाटर इज कलेक्ट इन दो शैलो आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के उसको सी वाटर को उसमें स्टोर किया जाता है उस पॉन्ड्स में, कॉल्ड साल्ट पैन, जिसको साल्ट पैन बोलते हैं। व्हेन दिस वाटर एवेपोरेट, जब ये वाटर एवेपोरेट हो जाता है मींस कि पानी जब भाप बन के निकल जाता है, साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, और वहाँ पे नीचे साल्ट रह जाता है, नमक रह जाता है। दिस साल्ट इज टेकन टू द फैक्ट्रीज, उसके बाद वो साल्ट को उठा के फैक्ट्री में भेजा जाता है फॉर रिफाइनरी, उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। लाइफ इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में लोगों की लाइफ के बारे में जान लेते हैं। द टू कोस्टल प्लेन्स कवर्ड सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ गुजरात महाराष्ट्र, देखो दो कोस्टल प्लेन्स हैं, कवर करते हैं सम पार्ट्स ऑफ, कुछ हिस्सा गुजरात महाराष्ट्र का आ गया, गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु, इन सभी का कुछ हिस्सा कवर करते हैं। आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये भी इसी हिस्से में आ जाते हैं। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन, फिशिंग और फार्मिंग का मेन ऑक्यूपेशन कितना है। राइस एंड कोकोनट, जो राइस एंड कोकोनट होते हैं ना, आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन, यहाँ पे उगाई जाने वाली मेन क्रॉप्स में राइस एंड कोकोनट आ जाते हैं। देर आर ए नंबर ऑफ पोर्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। दे आर यूज टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स, ये वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने और इम्पोर्ट करने में इनका प्रयोग किया जाता है। पोर्ट्स होते हैं वह जगह होती है जहाँ पे वस्तुओं को लोड और अनलोड किया जाता है, इनकी समुद्री बंदरगाह होती है जिसमें समुद्री जहाज़ों में वस्तुओं को लोड भी किया जाता है और अनलोड भी किया जाता है, ठीक है। इनका यूज़ जो होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करने के लिए वस्तुओं के किया जाता है। गुजरात की बात कर लें, पीपल ग्रो जावर बाजरा कॉटन एंड शुगर केन, यहाँ पे लोग जावर ज्वार जो होते हैं बाजरा कॉटन शुगर केन उगाते हैं। मैनी पीपल आर ट्रेडर, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे वो व्यापारी हैं। सम आर एंगेज इन डेयरी फार्मिंग, कुछ लोग एंगेज हैं डेयरी फार्मिंग में लगे हुए हैं। अलॉन्ग द कोस्टल एरिया के साथ वाले हिस्से में साल्ट इज मेड बाय डेयरी ड्राई सी वाटर, ठीक है, जो कोस्टल वाला एरिया होता है ना उसके साथ वाले हिस्से में जो साल्ट बनाया जाता है ड्राइंग सी वाटर, समुद्र के पानी को सुखाने के बाद, कि जो समुद्र का पानी स्टोर कर लिया जाता है सूरज की रोशनी से, वो पानी वेपोरेट हो जाता है, उसके बाद जो नीचे नमक रह जाता है उससे क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है, बाद में उस नमक को फैक्ट्री में भेज के रिफाइनरी में भेज के शुद्ध किया जाता है। देयर आर मैनी टेक्सटाइल मिल, बहुत सारी कपड़े वाली मिल्स हैं यहाँ पे, ऑयल रिफाइनरीज हैं और ऑयल को साफ करने वाली रिफाइनरीज हैं यहाँ पे, फैक्ट्रीज हैं। एंड डायमंड कटिंग सेंटर इन गुजरात, और डायमंड को कट करने वाला सेंटर भी गुजरात में है। मोस्ट पीपल स्पीक गुजराती, ज़्यादातर लोग यहाँ पे गुजराती बोलते हैं। रास गरबा इज ए पॉपुलर फोक डांस है, गुजरात का रास गरबा क्या है, पॉपुलर फोक डांस है। हाँ जी, आगे है गोवा। गोवा इज़ फेमस फॉर कैश्यू नट्स, कैश्यू नट्स मीन्स कि आपके काजू के लिए बहुत फेमस है, एंड मैंगोज़ के लिए बहुत फेमस है। आयरन और एंड मैंगोज, आयरन और कच्ची लोही धातु होती है, और मैगनीज जो है डिपॉजिट आर फाउंड हेयर, यहाँ पे मिलते हैं कच्चे रूप में मिलते हैं। आगे है विंडोलो और जैकई, ठीक है, विंडोलो और जैकई यहाँ पे फेमस डिशेस हैं, डिशेस, ठीक है। कोंकणी इज वाइडली स्पोकन, जो कोंकणी लैंग्वेज है यहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है। हाँ जी, कुछ पिक्चर है पहले इनको भी कवर कर लें। मैनी इंडियंस एंड फॉरनर टूरिस्ट विजिट गोवा, गोवा में विजिट करते हैं बहुत सारे इंडियन और फॉरेस्ट लोग यहाँ पे आते हैं। हेयर
आर ए फ्यू टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन है, हाँ जी, जो स्टेट की देखने वाली जो यहाँ पे अट्रैक्शन है वो है वर्गेटर बीच है। यहाँ पे बीच होता है, ये देखिए ये एरिया होता है, बीच वाला ये एरिया है। यहाँ पे क्या होता है कि इस एरिया में ये वाला एरिया जो देख सकते हो, एक तरफ समंदर है, समुद्र का पानी ज़मीन के साथ टच करता है, ये ज़मीन है, तो ये एरिया को हम क्या बोलते हैं, बीच। तो वर्गेटर बीच फेमस है, यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। कि दूध सागर फॉल है यहाँ पे, ये देखिए एक झरना है, फॉल है, इसको बोलते हैं दूध सागर। तो यहाँ पे भी लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। द ब्यूटीफुल बीचेस आर ए बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पे जो सुंदर बीचेस हैं टूरिस्ट के अट्रैक्शन का कारण है। सेंट जेवियर चर्च, फोर्ट अगुआंडा, ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, ठीक है, तो एक बार देख लेना। सेंट जेवियर चर्च है और फोर्ट अगुआंडा एंड दूध सागर फॉल आर विजिटेड बाय मैनी टूरिस्ट। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट विजिटेड करते हैं, आते हैं घूमने के लिए। तो केरला की बात कर लेते हैं, केरला रबर टी कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, मसाले होते हैं, ठीक है, आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ केरला, केरला की इम्पॉर्टेंट फसलें हैं, अपार्ट फ्रॉम राइस एंड कोकोनट से अलावा, ठीक है, राइस एंड कोकोनट के अलावा, ठीक है, उस साथ में पार्ट्स होता है उसके साथ में, राइस एंड कोकोनट के साथ में ये भी उनकी मेन फसलें हैं। क्वायर, क्वायर मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, क्वायर एक मेकिंग बनाती है इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। कथकली एंड मोहिनीअट्टम आर द पॉपुलर क्लासिकल डांस, ये कथकली, ये देखिए कथकली की पिक्चर है, कथकली और मोहिनीअट्टम जो है इनके जो फेमस डांस है, पॉपुलर डांस है यहाँ के। पीपल स्पीक मलयालम, लोग यहाँ पे मलयालम बोलते हैं। ओनम एंड विशु, ओनम एंड विशु आर द पॉपुलर फेस्टिवल है यहाँ के, जो पॉपुलर फेस्टिवल में आ जाते हैं। तमिलनाडु की बात कर ले, टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन अलॉन्ग द स्लूप ऑफ द नीलगिरी हिल्स, जो टी है तमिलनाडु में, टी और कॉफ़ी उगाए जाते हैं अलॉन्ग द स्लूप्स, ढलानों के ऊपर, नीलगिरी हिल की ढलानों के ऊपर, ठीक है। कांचीपुरम एंड मदुराई आर द मेन सेंटर ऑफ सिल्क वीविंग, सिल्क वीविंग के जो सिल्क बुनने वाले जो सेंटर है, सिल्क से वस्तुएं बुनी जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनके मेन सेंटर है ये। पीपल आर फाउंड ऑफ शौकीन है किसके, इडली डोसा, इडली के, डोसा के, उपमा एंड सांभर के। भरतनाट्यम इज़ अ पॉपुलर डांस है यहाँ का। तमिलनाडु इज़ द मेन लैंग्वेज, तमिल जो है, सॉरी तमिल जो इनकी है, तमिलनाडु की, तमिल जो है मेन लैंग्वेज है। पोंगल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, पोंगल इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है किसका, तमिलनाडु का, ये याद रखना, पोंगल तमिलनाडु का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश इज ए फेमस फॉर कोंडापली, कोंडापली टॉयज के लिए एंड कलमकारी के लिए, कलमकारी वर्क होता है उसके लिए फेमस है, ठीक है। मिका एंड लाइमस्टोन आर फाउंड हेयर, ये यहाँ पे मिलते हैं। कच्चीपुड़ी इज अ पॉपुलर डांस है यहाँ का। विशाखापट्टनम इज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है, सी पोर्ट समुद्री बंदरगाह होती है, ठीक है। ये कथकली आ गया, ये भरतनाट्यम आ गया, ये कच्चीपुड़ी आ गया, ये फेमस डांसेस फॉर्म की पिक्चर दी हुई यहाँ पे, आप देख सकते हो। उड़ीसा की बात कर ले, उड़ीसा इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मीन्स की कपड़े वाली फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। सिल्वर वर्क एंड हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स के लिए, सिल्वर का वर्क होता है, काम होता है, एंड हैंडीक्राफ्ट्स आइटम के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। कोल, आयरन और एंड मैगनीज डिपॉजिट आर आल्सो फाउंड हियर, यहाँ पे ये भी मिलते हैं, कोयला भी मिलता है यहाँ पे खुदाई के बाद, ठीक है, आयरन और भी मिलती है और मैगनीज भी मिलते हैं। कटक एंड राउरकेला, कटक एंड राउरकेला आर इंडस्ट्रियल सिटी है, ये सिटीज़ के नाम है। उड़ीसी इज पॉपुलर डांस है, उड़ीसा यहाँ का पॉपुलर डांस है। मोस्ट पीपल स्पीक उड़िया, ज़्यादा लोग उड़िया भाषा बोलते हैं। द रथ यात्रा इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, रथ यात्रा यहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये पिक्चर देख सकते हो, ये रथ यात्रा की पिक्चर है। द चिल्का लेक है विद इट्स बर्ड सेंचुरी, और इनकी बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे पक्षी रखे जाते हैं, पक्षियों को
नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, बर्ड सेंचुरी है, अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वर्ड्स टू नो की बात कर लेते हैं, सिल्ट होता है फाइन सैंड एंड मड कैरिड बाय अ रिवर, मीन्स कि जिसमें फाइन सैंड होती है, मड होता है जिसको गारा बोल देते हैं, लाया जाता है रिवर के द्वारा, जो ज़मीन को बहुत ही फर्टाइल बनाता है पंजाब और हरियाणा का, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसन है इसी से बना हुआ है। हार्वेस्टर्स होती है, ये देखिए पिक्चर है हार्वेस्टर की, अ बिग मशीन दैट इज़ यूज टू कट क्रॉप्स, क्रॉप्स को कट करने के लिए यूज़ होता है। लागूनस क्या होता है, लेक दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम द सी बाय सैंड, मीन्स कि ये जो हमारा हिस्सा है ये सी है, तो ये वाला एक सैंड की दीवार बन जाती है, बीच में सैंड जो समुद्र का पानी होता है कुछ अंदर रह जाता है कुछ बाहर रह जाता है, उनके बीच में एक सैंड की दीवार बन जाती है, तो इस तरफ वाले हिस्से को हम लागूनस बोल देते हैं। कलमकारी क्या होता है, अ टाइप ऑफ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल होता है, कॉटन के ऊपर हैंड से पेंटेड होता है, बनाई हुई पिक्चर्स बनाई होती है, पेंटेड की होती है। क्विक रिकैप में देख सकते हैं, द नॉर्थन प्लेन्स एक्सटेंड फैले हुए हैं फ्रॉम पंजाब टू आसाम तक, दे कंप्राइज में इसमें समावेश है द फर्टाइल रिवर बेसन आ जाते हैं ऑफ सतलुज और गंगा, ब्रह्मपुत्र का रिवर बेसन सारा इसमें आ जाता है। पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड आसाम लाइज इन द नॉर्थन प्लेन, ये सारे नॉर्थन प्लेन में हिस्से आ जाते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, लोगों का फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है, किता है। द वेस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर फाउंड अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट ऑफ द इंडियन रिस्पेक्टिवली, कमर्स इंडिया के जो वेस्टर्न घाट में ये सारा हिस्सा आ जाता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी आ जाते हैं, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी इनमें शामिल हो जाते हैं। आगे गुजरात की बात करें, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, शेयर कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया की शेयर करते हैं। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का और द पीपल इन द कोस्टल एरिया में, तो ये बैक एक्सर ये अपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। हाँ जी, ये पिक्चर है कि नमक कैसे बनाया जाता है, कि नमक जो होता है कि समुंदर के पानी को छोटे छोटे पौंड बना के उसमें स्टोर कर लिया जाता है, बाद में सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती है जो पानी होता है वेपोरेट होकर निकल जाता है और नमक नीचे रह जाता है, ठीक है। इस तरह ये बचा हुआ नमक को रिफाइनरी में भेज के उसको क्लीन किया जाता है, इससे नमक बनाया जाता है। तो इस जो ये जो वीडियो है, ठीक है, इससे कोशिश करूँगा एक क्वेश्चन आंसर भी जल्दी से सॉल्व करके मैं आगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हो, और दूसरी वीडियो के लिंक भी मैंने इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वो भी वहाँ से देख सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।